मोहन कैबिनेट और थोड़ी देर में रामलला के दर्शन का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी है, अलग अलग राज्यों की जो कैबिनेट है वो अलग अलग दिन पहुंची थी। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट पहुंची हुई है रामलला के दर्शन के लिए। विशेष विमान के जरिए ये सभी राजाभोज एयरपोर्ट से निकले और अब अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में भवन बनाने का ऐलान पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं। सरयू के किनारे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, गोवा, ये तमाम जो कैबिनेट हैं वो अब तक दर्शन कर चुकी हैं और अब विशेष तैयारियां मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट के लिए। सहयोगी अंशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। और एक बार फिर अंशिका के पास हम आपको लिए चलेंगे जानकारी के लिए भी और बेहतरीन तस्वीरों के लिए भी। संस्कारों की तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। अंशिका, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, क्या कुछ अपडेट, कितना वक्त और लगेगा? ललित, इस वक्त मैं एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूं और आप तस्वीर देख रहे होंगे कि इस वक्त जो सिक्योरिटी है वो काफी टाइट है, क्योंकि फ्लाइट लैंड हो चुकी है और फ्लाइट लैंड होने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे मंत्रिमंडल के कई नेताओं को, जिसमें कि जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल। लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा भी आज यहाँ पर आ रहे हैं अयोध्या में और राम मंदिर के दर्शन करेंगे और तमाम बसेस भी रेडी है, क्योंकि काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि एक घंटे की देरी हुई है, लेकिन अब वो ठहरेंगे नहीं कहीं पे। इससे पहले जानकारी ये मिली थी कि वो रुकेंगे भी होटल में और उसके बाद वो मंदिर जाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि फ्लाइट लैंड हो चुकी है और एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 के पास है। फ्लाइट के आने की तस्वीर, लैंड होने की तस्वीर, वो भी दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब ज्यादा वक्त नहीं, जब आप चेहरों को भी देखेंगे यहाँ पर, इंतजार पलके बिछाए तमाम लोग कर रहे हैं। पूरे अयोध्या नगरी इस वक्त जगमग हो रही है और साथ ही हर्ष और उमंग का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। आज का नजारा ललित ऐसा है मानो 22 जनवरी वापस आ गया हो, क्योंकि स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का और इसीलिए भी तैयारियां आप देख रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा हमें छूट नहीं है कि हम आगे तक जाकर आपको दिखा पाए कुछ भी, लेकिन एक एरिया डिसाइडेड है, इसी एरिया से हमें आपको दिखाना है और आपको ज्यादा वक्त नहीं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब आपको तमाम मंत्री भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ललित, बिल्कुल सही कह रही है अंशिका, और जिस तरह की तस्वीरें हैं, सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला है जिसकी तरफ अंशिका इशारा कर रही हैं, जो कि पूरी की पूरी कैबिनेट है और हाई सिक्योरिटी ये जोन है। और अब थोड़ी देर बाद ये तस्वीरें शुरू हो जाएंगी, सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक और बड़ा अपडेट जो अंशिका दे रही है कि पहले ये था कि थोड़ी देर के लिए कहीं ठहर कर विश्राम किया जाएगा या चर्चा की जाएगी, कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब बड़ा अपडेट ये कि पूरी की पूरी मोहन कैबिनेट यहाँ से सीधे रामलला के दर्शन के लिए पहुँच जाएगी। और इससे पहले जैसा मैंने जिक्र भी किया है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, गोवा, उत्तर प्रदेश, ये जो तमाम कैबिनेट हैं ये रामलला का आशीर्वाद ले चुकी है। आज मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की बारी है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, वहाँ के प्रतिनिधिमंडल तक पहुँचे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने शुरुआत में ये कहा था कि जो अलग अलग कैबिनेट है वो अलग अलग दिन जाकर दर्शन करेंगे और बाद में करेंगे, ताकि जो देश दुनिया के भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लगातार अंशिका वहां पर पहुंची हुई है, एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट वो पहुंचा रही हैं। अंशिका, स्वागत की भी हम तस्वीरें देख रहे थे, लोक नृत्य के जरिए स्थानीय, और ये इस वक्त तस्वीरें अयोध्या से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में ये विमान की लैंडिंग की तस्वीरें और अब काउंटडाउन लगभग शुरू, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, विमान जहाज की तस्वीर, हवाई जहाज की तस्वीरें हम देख रहे हैं। अंशिका, ललित, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तस्वीर कि आखिर कब या, और ये भी जानकारी मिल रही है यहाँ पर कि बस में बैठ चुके हैं, फ्लाइट से उतरकर तमाम नेता, उनके स्वागत के लिए वहाँ पर सांसद मौजूद हैं अयोध्या के, लल्लू सिंह, और साथ ही पुलिस कमिश्नर भी मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। कल जब मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचे थे,
लखनऊ, तब उनका स्वागत डिप्टी सीएम ने किया था, ब्रजेश पाठक ने किया था, और आज यहाँ के सांसद लल्लू सिंह इस वक्त मौजूद है उनके स्वागत के लिए। हालांकि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कई लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं गुलदस्ता लेकर भी, पहुंचे हुए हैं, और साथ ही उनके वेलकम के लिए कि आज हमारे इलाके में, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी उत्तर प्रदेश में कोई मेहमान आता है तो वो उसे मेहमान की तरह नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य की तरह उनका स्वागत किया जाता है। और देखिए सांस्कृतिक नृत्य तो यहाँ पर हो ही रहे थे, लेकिन सबसे पहले तो पुष्प वर्षा कर तिलक लगाया जाएगा और उसके बाद स्वागत का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ललित, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि आ चुके हैं यहाँ पर मंत्री, करीब 30 मंत्री बताए जा रहे हैं क्योंकि पहुंच गए हैं, और वो एक एक कर अब आपको नजर भी आएंगे। तो कुछ और यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य होंगे जिनकी तैयारियां यहाँ पर कलाकारों ने की है, और वो कलाकार भी इस सांस्कृतिक नृत्य को दिखाएंगे। ललित बिल्कुल बिल्कुल, अंशिका लगातार अपडेट दे रही है क्योंकि शोर शराबे के बीच है, और स्वागत के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, इसलिए थोड़ी तकनीकी दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बीच हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पहले की, कुछ सेकंड्स पहले की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जबकि ये जो विशेष विमान है ये उतरा, और इसके बाद अब थोड़ी देर में एक तरफ सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अंशिका ने एक बात का जिक्र और किया कि जब भी कोई उत्तर प्रदेश पहुंचता है तो मेहमान नहीं हो जाता है, वो परिवार की तरह हो जाता है, और परिवार की तरह ही सांस्कृतिक तरीके से जो संस्कृति रही है, सनातनी संस्कृति रही है, उसी तरह से उसका स्वागत होगा। कुछ ही देर में मोहन कैबिनेट डॉक्टर यादव और उनके जो पूरे साथी हैं वो यहाँ पर आपको नजर आने लगेंगे, और जैसे कि अंशिका ने इस बात का भी जिक्र किया कि वीडी शर्मा भी उनके साथ ही हैं, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जो बस के अंदर की तस्वीरें हैं उसमें नजर आ रहा था, सब बातचीत करते हुए पहुँचे हुए थे, और अब थोड़ी देर बाद ये जो तमाम कैबिनेट है, डॉक्टर यादव की कैबिनेट, मोहन यादव की कैबिनेट, वो पहुँचेंगी और रामलला के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। आज की तारीख पहले से ही तय कर दी गई थी, और इसी तरह से हर कोई जो तमाम अलग अलग राज्य हैं वहाँ की कैबिनेट पहुँच रही हैं, रामलला के दर्शन के लिए पहुँच रही हैं, और आज मोहन सरकार की बारी है, रामलला की शरण में मोहन और उनका मंत्रिमंडल आज पहुँचेगा, आशीर्वाद लेगा। लक्ष्य बड़ा है, 370 के सहारे, 370 वोटों के सहारे 400 पार जाने का जो लक्ष्य रखा गया है, जाहिरा तौर पर भगवान राम के आशीर्वाद से पार्टी वो सुनिश्चित करना चाहती है, और यही वजह है कि पूरी की पूरी कैबिनेट अयोध्या पहुंच रही है, और कुछ सेकंड्स में मेरे ख्याल से वो तस्वीर अब सामने आने लगेंगी, और अंशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, अपडेट वो लगातार पहुंचा रही हैं, हालांकि चूंकि उनके पास शोर है लगातार बाजे गाजे के साथ स्वागत करने की तैयारियां हैं, इस वजह से सवाल बहुत साफ हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अंशिका आप मुझे सुन पा रही हो, क्या कुछ इस वक्त आप देख रही हैं? ढोल नगाड़ों की आवाज जब तेज हो जाए तो यकीनन बस नजर आने वाली है मोहन कैबिनेट। अंशिका इशारा किया गया है अलर्ट हो जाने के लिए, बस आ चुकी है क्योंकि, और वो भी पहुंच चुके हैं तमाम ऐसे मंत्री, आपको मंत्रियों की लिस्ट भी एक बार बता देती हूँ, कई मंत्री आज आपको राम नगरी में नजर आएंगे, अयोध्या की इस पावन धरती पर नजर आएंगे, जिसमें कि मुख्यमंत्री तो आपको नजर आएंगे ही डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा आपको जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम है वो भी नजर आएंगे, और साथ ही राजेंद्र शुक्ला आपको नजर आएंगे, कैलाश विजयवर्गीय आपको नजर आएंगे, जिनके पास कैलाश विजयवर्गीय पास नगरीय विकास एवं आवास विधि और विधायी कार्य मंत्रालय है, इसके अलावा प्रहलाद पटेल आपको नजर आएंगे, राकेश सिंह आपको नजर आएंगे, करण सिंह वर्मा, राम उदय प्रताप सिंह, श्रीमती संपतिया उइके, हालांकि अगर महिलाओं की बात करूं मैं तो सिर्फ 5 ऐसी महिला कैबिनेट मंत्री है, और वो भी आज यहाँ पर अयोध्या की इस पावन धरती पर राम नगरी में रामलला के दर्शन करती हुई नजर आएंगी, तुलसीराम सिलावट भी। उससे पहले आपको बता दूं उत्सुकता मोहन यादव की हमने ट्विटर पे ही देख लिया था, जब उन्होंने यहाँ पर आने से पहले मोहन यादव ने ट्वीट किया था राम की तस्वीर के साथ, रामलला की तस्वीर के साथ, उन्होंने कहा था कि काफी उत्सुक हूँ कि आज मैं अयोध्या आऊंगा और इस पावन धरती पर अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलला के आशीर्वाद लूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर, और ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं,
विमान पहुंच चुका है। अंशिका लगातार अपडेट दे रही थी जिस तरह से, और ये अंदर की तस्वीरें हैं, कुछ देर बाद सामने की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एयरपोर्ट पर उतरने पर विशेष विमान से ये मोहन कैबिनेट पहुंची हुई है और राम के दर्शन करेंगे मोहन। तो अंदर की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस बस के जरिए अब सभी मेन गेट तक पहुंचेंगे। बातचीत चल रही है, एक दूसरे से चर्चा की जा रही है। मोहन कैबिनेट पहुंच चुकी है, अंदर की तस्वीरें, और अब ये उस जगह पर पहुंचेंगे जहां लगातार अंशिका है, राजपूत मंत्री राजपूत नजर आ रहे हैं। सुनने बार बार हम मोदी को जिताएंगे, बार बार। कैलाश विजयवर्गीय हो और सुर ना फूटे ऐसा संभव नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और अंशिका भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ देर बाद फिर अंशिका के पास हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी उतरने के बाद, विशेष विमान से उतरने के बाद सभी बस में सवार, और अब इस बस के जरिए मेन गेट तक पहुंचा जाएगा, और वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वागत किया जाएगा, गुलदस्ता देकर स्वागत किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव, राकेश सिंह, राजेंद्र शुक्ल, ये तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। एक एक कर अब ये बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे कि अंशिका जानकारी दे रही थी कि जो सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं, अयोध्या के सांसद पहुंच चुके हैं। स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। अब मोहन यादव और उनकी पूरी टीम रवाना होगी रामलला के दर्शन के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, राम आएंगे, हम मोदी को ही जिताएंगे, ये दोनों चीजें उन्होंने जोड़ी हैं। और राजपूत, जो मंत्री राजपूत हैं परिवहन की, जिन पर पहले जिम्मेदारी रही है, वो भी उनके साथ गुनगुना रहे थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। राम लला की शरण में मध्य प्रदेश सरकार पहुंची हुई है आशीर्वाद लेने, विजय सुनिश्चित करने, सुशासन की व्यवस्था करने, रामराज्य को सुनिश्चित करने। मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश से होते हुए आदर्श राम राज्य बनाए जाने को सुनिश्चित करने को लेकर रामलला के दर्शन के लिए पहुंची हुई है मोहन कैबिनेट। राम के दर्शन करेंगे मोहन, ना सिर्फ मोहन बल्कि पूरी कैबिनेट। तो अब थोड़ी देर में तुलसी सिलावट नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तुलसी सिलावट भी नजर आ रहे हैं। स्वागत का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल पहुंचे हुए हैं, उनका भी स्वागत किया जा रहा है, सभी का स्वागत किया जा रहा है पुष्प गुच्छ देकर। और मंत्रिमंडल में महिला मंत्री जो है वो भी हैं, संपतिया उइके भी इसमें हैं, तो ये सिलसिला चल रहा है। गोविंद सिंह राजपूत भी आपको पीछे नजर आ रहे होंगे, कैलाश विजयवर्गीय, उनका तो खैर गाना ही आपने सुना बस में, किस तरह से वो गुनगुना रहे थे राम आएंगे। और अब स्वागत का ये सिलसिला, स्वागत के सिलसिले के बाद सीधे रामलला के दरबार में डॉक्टर यादव और उनकी पूरी कैबिनेट पहुंचने वाली है। इन सबके बीच ये तस्वीरें, परिवार संग कुछ जो मंत्री हैं वो परिवार के संग पहुंचे हुए हैं, और स्वागत का ये सिलसिला, स्वागत के लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई थी, विशेष व्यवस्था की गई थी, और उन विशेष व्यवस्था में वो विशेष व्यवस्था किस तरह की थी वो लगातार आपने देखा। तो राम के धाम परिवार संग पहुंच चुके हैं सरकार, मोहन कैबिनेट का अयोध्या का दौरा, और जैसे मैंने आपको कहा अलग अलग कैबिनेट अलग अलग जाकर आशीर्वाद ले चुकी हैं। देश छोड़िए, पूरे दुनिया के जो राम भक्त हैं, चाहे सियासत से जुड़े हों, कारोबार से जुड़े हों, एजुकेशन से जुड़े हों, वो सभी पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहां के लोग पहुंचे हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचे हैं। अंशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंशिका, क्या अपडेट? आपकी आवाज तो आ नहीं रही, लेकिन अभी सिलसिला शुरू होगा। मंत्रियों को आप देखेंगे जहां पर अभी बैक टू बैक आपको मंत्री दिखाई देंगे। इस वक्त हलचल तेज है, हालांकि
कि बस का इंतजार था कि आखिर कब जो है मंत्री आगे। देखिए बैक टू बैक मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, कोशिश करेंगे उनसे बातचीत की भी, उनसे बातचीत कर पाए। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री की अगुवाई में, और अब मंत्रियों के बाहर आने का सिलसिला, और लगातार ये तस्वीरें भी अंशिका अपडेट इसे लेकर दे रही थी। अंशिका, मंत्रियों के बाहर आने का सिलसिला शुरू। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब जो मोहन कैबिनेट है अब वो बाहर निकल रही है, और अब ये और अंशिका लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। अंशिका, अब सिलसिला शुरू हो गया बाहर आने का। तस्वीरें नजर आ रहा है, नजर आ रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीरें, गाने की जो तस्वीरें वो भी हमने आपको दिखाया है, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, कैलाश विजयवर्गीय एक तरफ, और दूसरी तरफ आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस वक्त मंत्रिमंडल पहुंच चुका है डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में, पूरी टीम, टीम मोहन हुआ है। हम सबका सौभाग्य है, कई जन्मों के पुण्य के बाद अयोध्या में भगवान राम ने 22 जनवरी, खास करके ये तो अमर दिवस हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। हम मध्यप्रदेश से आते हैं और मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश का संबंध लगभग 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में आकर के यहाँ के भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, अयोध्या में काफ़ी विकास के काम कराए थे, और 500 साल बाद फिर एक समय अच्छा आया है, भगवान जगन्नाथ में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या एक अलौकिक नगरी बनी है। हम सब परमात्मा की कृपा से प्रभु राम के चरणों में प्रणाम करते हुए मध्यप्रदेश की सरकार आगामी समय में गरीबों के विकास के लिए काम करे, प्रभु से ये आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरी अपनी ओर से समूचे उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई। अयोध्या का कैसा लग रहा आपको है? अयोध्या आकर के तो कई जन्मों के पुण्य है, जब अयोध्या आता आदमी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांचे वंतिका पुरी द्वारा उत्तिष्ठे सप्तते मोक्षदायका, ये तो मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है, ऐसे में यहाँ आकर के जो आनंद आता है उसकी कोई किसी से तुलना नहीं। बात बात की जाए तो कहा के माने, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार चाहेगी तो मध्यप्रदेश भवन बना करके हमारे अपने यात्रियों के लिए एक सुविधा भी बनाना चाहेंगे, और सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर घाट भी बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगे? बड़ी भूमिका भैया काम।
तो डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, रिश्ते एक नहीं, दो नहीं, तीन दिन के नहीं, महीनों के नहीं, सालों के नहीं, हजारों हजार साल का एक साझा इतिहास है। और अब अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए ये पूरी टीम रवाना होगी। स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार टीम रवाना हो रही है। मीडिया से बहुत शॉर्ट में उन्होंने बातचीत की। इससे पहले वो ऐलान कर चुके थे एक बात का कि जैसे ही उन्हें जगह मिल जाएगी, एक मध्य प्रदेश भवन बनेगा, राजा विक्रमादित्य के नाम पर वो भवन होगा, ताकि मध्य प्रदेश से जो राम भक्त पहुंचे उन्हें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब रामलला के दर्शन के लिए ये पूरी टीम रवाना होने जा रही है। और उससे पहले बहुत शॉर्ट में चर्चा आपने सुनी, उनके साथ गोविंद सिंह राजपूत नजर आए, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राजेंद्र शुक्ल। तो मैंने इस बात का पहले भी जिक्र किया था, कैलाश विजयवर्गीय हो और सुर ना फूटे ऐसा संभव ही नहीं। अंशिका लगातार अपडेट दे रही हैं। अंशिका, अब कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो गई मेरा ख्याल है। अंशिका, गाड़ी में बैठना है। जय श्री राम। थैंक यू सर। राम मंदिर के लिए इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, और सर कैसा लग रहा है आपको आज अयोध्या में आकर? सौभाग्यशाली हम लोग के मोदी जी के युग में भगवान राम को दर्शन कर रहे हैं यहाँ। ये गाना गा रहे थे, कभी नहीं हुआ, हम धन्य हैं। बिल्कुल, और देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें कुछ देर पहले की, हर सेकंड्स का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बस के जरिए विशेष विमान से उतरने के बाद जब सभी रवाना हुए, रनवे से जो अराइवल होता है वहां तक के लिए, तो बाकायदा रामधुन छेड़ी गई, हम बार बार मोदी को जिताएंगे, ये भी उसी धुन में कहा गया। इसके बाद जब डॉक्टर मोहन